कुछ भी करके मतलब पकड़ दो लोगों को। मैं कि भाई सुबह 4 बजे सपने तो बहुत अच्छे आते हैं गर्लफ्रेंड के साथ, तुम ये कर रहे होते वो कर रहे होते डाल। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी मोटिवेशनल वीडियोज़ के लिए स्क्रिप्ट किस तरीके से लिख सकते हैं। गाइस अगर आप एक मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल चलाते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो वीडियो में होता है वो एक स्क्रिप्ट ही होती है। अगर आपकी मोटिवेशनल वीडियोज़ की स्क्रिप्ट अच्छी नहीं है गाइस, आप ऑडियंस को रोक नहीं पाएंगे। लोग आपका वीडियो प्ले तो करेंगे लेकिन 5 सेकंड से ज़्यादा रुकेंगे नहीं, और अगर 5 सेकंड से ज़्यादा रुकेंगे नहीं, आपका वीडियो पूरा देखेंगे नहीं लोग, तो भाई साहब कैसे आपका यूट्यूब वीडियो वायरल होगा, कैसे आपका चैनल चलेगा। वीडियो की स्क्रिप्ट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और एक अच्छी स्क्रिप्ट लिखना इंपॉर्टेंट होता है, तब भी एक अच्छा वीडियो बन पाता है। आप चाहे मोटिवेशनल चैनल चलाते हो या आप किसी भी कैटेगरी का चैनल चलाते हो, ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैं आपको बेसिक्स बताऊंगा ना कि स्क्रिप्ट कैसे लिखना होता है वीडियो का, वो आप मोटिवेशनल वीडियोज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आपका एजुकेशनल चैनल उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपका टैक चैनल है उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं। जानने के लिए वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिएगा, इसके बिल्कुल भी मत करेगा। आगे बढ़ने से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो यार वीडियो को लाइक करते हैं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस हाईएस्ट शुरू करते हैं। गाइस देखो, अगर आप अपनी YouTube वीडियो के लिए स्क्रिप्ट लिखना चाहते हो, एक सिंपल सा फॉर्मूला बता रहा हूँ, 3-स्टेप फॉर्मूला होता है। सबसे पहले शुरुआत में आपको ऑडियंस को हुक करना पड़ता है, ऑडियंस को पकड़ना पड़ता है गाइस, अदरवाइज ऑडियंस भाग जाएगी आपकी वीडियो से, है ना। होता है ना जैसे कोई मछली पकड़ने जाता है तो भाई कांटे में कुछ लगा देता है खाना मछली के लिए, जिससे मछली आती है खाने के लिए फंस जाती है, राइट। उसको बोलते हैं हुक करना, आपको भी ऑडियंस को हुक करना पड़ेगा, अदरवाइज ऑडियंस भाग जाएगी। देखो सिंपल सी बात है, हुक कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताऊँ। सबसे पहले आपको ऑडियंस को हुक करना होता है शुरुआत में, उसके बाद उसकी प्रॉब्लम आपको बतानी है वीडियो में कि क्या प्रॉब्लम है, और थर्ड चीज़ ये है कि आपको उसका सॉल्यूशन देना है, ठीक है। लोगों को दिखा देना है कि गाइस इस वीडियो को देखने के बाद आप ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ओके। उसके बाद मेन कॉन्टेंट आता है हमारा, और एट लास्ट कॉल टू एक्शन, ठीक है। अब ध्यान सुनना, शुरुआत में हुक करना होता है, ऑडियंस को पकड़ना पड़ता है। कैसे पकड़ सकते हैं हुक करने के, मैं आपको 2 तरीके बता रहा हूँ। पहला, शुरुआत में कुछ ऐसा बोल दो जो लोगों से रिलेट करे, उनकी कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, जिससे उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि हाँ भाई साहब तुम उनके दुख दर्द उनको समझ रहे हो, ठीक है, जो आप बोल रहे हो उनके साथ सेम चीज़ होती है। पहला तरीका ये है। सेकेंड तरीका क्या है कि मान लो आपने एक बड़ी सी वीडियो बनाई, उसमें से कहीं ना कहीं कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो लोगों को अंदर से छू जाते हैं, लोगों को इमोशनल कर सकते हैं, लोगों के अंदर गुस्सा पैदा कर सकते हैं, या फिर लोग रिलेट कर सकते हैं कि हाँ ये चीज़ मेरे साथ भी होती है, या फिर कोई फनी इंसिडेंट आपने बीच में ऐड कर दिया, राइट। तो उत्ता पार्ट करके आप शुरुआत में ऐड कर दो, ठीक है। जैसे कि आप बड़े बड़े यूट्यूब चैनल की भी वीडियो देखते होंगे, बीच में कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट होता है तो वो स्टार्टिंग में लगा देते हैं, तो आप भी कुछ वैसा ही कर सकते हो। यहाँ से क्या है कि ऑडियंस हुक हो जाती है, ठीक है, वो पार्ट जो आपने शुरुआत में लगा दिया कहीं से भी बीच से उठा के, तो ऑडियंस वो देखना चाहती है बीच में कहाँ वो पार्ट है, तो वो पूरा वीडियो देख लेते हो चक्कर में, ठीक है। ये तो हुक करने का कंटेंट हो गया, या फिर शुरुआत में एक स्टोरी सुना दो हुक करने के लिए, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। गाइस आज से 2 साल पहले मेरे साथ ऐसा होता था, मैं सुबह उठता था लेकिन नहीं उठ पाता था। आपके साथ भी ऐसा होता है, आप सुबह नहीं उठ पाते हो, मतलब लोगों के साथ एक कनेक्शन बिल्ड होना चाहिए इमोशनल टाइप का, ठीक है, जिससे लोग रिलेट कर पाए, हाँ मेरे साथ भी ऐसा होता है। नेक्स्ट स्टेप होता है प्रॉब्लम, ठीक है, क्या लोगों की प्रॉब्लम आप सॉल्व करने वाले वीडियो में, वो प्रॉब्लम कितनी बड़ी है बता दो। अगर आप, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ मोटिवेशनल वीडियोस का, आप बता रहे हो कि सुबह 4 बजे कैसे उठते हैं, अब आपने हुक कर लिया पहले ऑडियंस को, प्रॉब्लम क्या बताओगे। अगर आप सुबह 4 बजे नहीं उठते हो, आपकी आधी जिंदगी सोते सोते निकल जाएगी, आधी जिंदगी सोते सोते निकल जाएगी, तो बाकी काम आप कब करोगे, और फलाना ढिकाना आपको बीमारी हो जाएगी यार, प्रॉब्लम बतानी पड़ेगी आपको, ठीक है। यहाँ से क्या ऑडियंस का थोड़ा सा डर बैठेगा, हाँ भाई प्रॉब्लम तो है ही है, प्रॉब्लम बता दी ऑडियंस को, देन सॉल्यूशन, ठीक है, अब उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस वीडियो में मिलेगा। बताओ लोगों को आज इस वीडियो में आपको 5-स्टेप फॉर्मूला बताने वाला हूं, जिनसे आप सुबह उठ सकते हो, फलाना ढिकाना, ठीक है, तो वहाँ से सॉल्यूशन मिल गया। उसके बाद मेन कंटेंट डालो जो भी आपको डालना हो, और लास्ट में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द कॉल टू एक्शन। आपने लोगों को इतना कुछ दे दिया, कुछ मांगोगे नहीं बदले में क्या, तो कॉल टू एक्शन जरूर मांगो कि वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, या फिर आपका कोई बिजनेस उसको प्रमोट कर सकते हो, तो कॉल टू एक्शन डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। यही फॉर्मूला चलता है गाइस, शुरुआत में लोगों को हुक कर लो, कुछ ऐसा बोल दो लोगों के अंदर तक जाए वो बात, या फिर कुछ भी करके मतलब पकड़ दो लोगों को। सेकंड चीज़ क्या है, प्रॉब्लम बता दो ऑडियंस को, ठीक है गाइस, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अगर ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं होती है आपकी ऐसी जिंदगी बोलो। थर्ड चीज़ सॉल्यूशन, लेकिन गाइस इस वीडियो में मैं आपको 5-स्टेप फॉर्मूला देने वाला हूँ, ये प्रॉब्लम आपकी जड़ से खत्म हो जाएगी, फलाना ढिकाना बोलो। उसके बाद लाओ मैन कॉन्टेंट, और मैन कॉन्टेंट जो आप बता दो ना, पहला ये है, दूसरा ये, बीच बीच में थोड़ा सा हंसी मजाक जोक्स वगैरह जरूर डालो, ठीक है, बिल्कुल डालो, चलता है, ठीक है। जैसे कि सुबह 4 बजे कैसे उठो, यही आपकी मोटिवेशनल वीडियो है, डाल दो बीच में कि भाई सुबह 4 बजे सपने तो बहुत अच्छे आते हैं गर्लफ्रेंड के साथ, तुम ये कर रहे होते वो कर रहे होते, डाल दो ऐसे वीडियो में, ऑडियंस हंसती है, रिलेट कर पाती है चीज़ों को, ठीक है। और लास्ट में जाके कॉल टू एक्शन का यूज़ करो कि वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आपको मेरी सर्विस चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करो, या फिर मेरी वेबसाइट विजिट करो, फलाना कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक है, जो भी चीज़ आपके पास हो, राइट।
तो इस तरीके से आप एक प्रोफेशनल लेवल की स्क्रिप्ट लिख सकते हैं मोटिवेशनल वीडियोस की या फिर किसी और की भी, ठीक है। वैसे आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी, अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अभी बात मैंने बोली ना, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको क्या बोलते हैं, कॉल टू एक्शन, राइट। तो कर देना, बाकी मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।